सुरक्षा हमारी रखी। इन्होंने कहा कि मंच पर नहीं, मैं पीछे से ही वो दूंगा। तो इनका धन्यवाद है कि इन्होंने जो हमारे नियम कायदे कानून जो एक संगठन के हैं नॉन पॉलिटिकल उसके हैं, क्योंकि जब ये नॉन पॉलिटिकल थे उन हम मुझे बहुत आंदोलन करें, जब ये पॉलिटिकल हो गए तो ये फिर उस मंच पे नहीं जा रहे। इनका धन्यवाद है, मैं कहूँगा कि ये सबको एक बार एड्रेस कर देंगे और इसी से सबका हो जाएगा। बहुत प्यार से देखो, कोई भी आदमी प्रेस के लोगों के साथ में जो बदतमीजी कोई करेगा वो हमारा आदमी नहीं हो सकता, उसकी ध्यान रखना। आपका बहुत बड़ा सहयोग इस आंदोलन में शुरू से आपका रहा है, सारे मीडिया का रहा है। रात भी आपने जो हमारी भावनाएं थी वो करा, जिस तरह का रात अत्याचार हो गया था हमको कोई दिक्कत नहीं, पुलिस हमारे पे वो करे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का काम है कि स्थान खाली करवावे, वो करवावे, वो हमारी बातचीत से हो रहा था। लेकिन कुछ लोग, कुछ विधायक जो चुने हुए लोग हैं, वे 400 लोगों के साथ में आके और हमारे किसानों पे और खासकर के सरदार को एक ये धब्बा लगाना चाहते थे कि ये देश के गद्दार हैं और इनकी बड़ी पलान थी। हमने प्रशासन को ये कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, बात सुन लो रे, हमने प्रशासन को ये कहा हम गिरफ्तारी दे देंगे, 100, 200, 500 आदमी जो भी जाना चाहता होगा, लेकिन हमको आपको गारंटी देनी होगी कि जो हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे वे घर तक सुरक्षित जाएंगे। हमें कोई भरोसा नहीं था उनके सरकार पर रहा, जब बीजेपी के दो दो विधायक अपने 400 लोगों के साथ में हमारे लोगों पर डंडा बजाना चला और उनकी ये भी कि जो सरदार है उनकी पगड़ियां नीचे गिर गई थी, उन पर लाठियां चल गई थी, वो सरदार गिर गई। ये कल इतिहास में दर्ज होता है कि देश का किसान गद्दार है, ये किसान की पगड़ी का सवाल था, हमने वो बचाने का काम करा। और हमने गांव के लोगों को अपील करी, यहाँ का पानी काटा गया, यहाँ की बिजली काटी गई, गांव के लोगों से अपील करी कि मैं पानी जब पीऊंगा जब गांव से पानी आएगा। आज पूरे देश में इकट्ठा होगा, हमारा इशू ये है, हमारा इशू है कि भारत सरकार हमारे से बात करे, जो 3 बिल हैं जो MSP हैं उस पर बातचीत करें, कुछ हम भी किसानों को समझाएंगे, कुछ सरकारें समझेगी और ये बातचीत का दौर दोबारा चालू हो। धीरे से आप लोग कर रहे हैं, धीरे ऐसे ना ऐसे नहीं, आपस में दो बार हो जाएगा, पड़े रहो दो बार हो जाएगा। तो मैं मनीष भाई से चाहूँगा कि वे भी इसको एक बार एड्रेस करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद आदरणीय चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे, रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई, तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूँ कि सब चीज़ें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो, दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है, हमारा पूरा समर्थन तो है ही पार्टी की तरफ से भी। और जो हम हमेशा बार बार कहते भी रहे हैं कि, और जो आपने अभी दर्द व्यक्त किया कि किसान हमारे देश के हैं, दिल्ली में बैठे हम लोग रोटी तब खाते हैं जब किसान रोटी उगा देता है, ये इंटरनेट से पेट नहीं भरता है, इन 3 कानूनों से पेट नहीं भरेगा, पेट तो रोटी से ही भरेगा, रोटी अगर पहुंच से बाहर हो गई तो पेट नहीं भरने वाला। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज कुछ चंद पूंजीपतियों के दबाव में देश के किसान को गद्दार कहा जा रहा है। और आपने जो जिक्र किया कि देश की सरदार कौम, जो देश में सारी दुनिया में कट्टर देशभक्ति के लिए जानी जाती रही है, जिसकी कट्टर देशभक्ति की कसमें खाते हैं लोग, उसको गद्दार कहा जा रहा है, उसकी पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है, किसान की पगड़ी उछालने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई में हम साथ हैं पूरी तरह से, और आपकी जो मांग है वो किसान की मांग है, वो हमारी मांग है, हम सबकी मांग है। मुख्यमंत्री जी, आम आदमी पार्टी सबकी तरफ से हम समर्थन में हैं आपके, और कोई भी जरूरत हो आप हमें पानी की व्यवस्था है, हमारी 10-12 टैंकर लगातार भरे खड़े रहेंगे यहाँ पे, जिन भी भाइयों को पानी की जरूरत है ठीक बॉर्डर के उसमें।
यहाँ के प्रशासन से भी है कि हम उनकी जगह में बैठे हुए हैं, अपनी जगह में बैठे हुए हैं। हमको ये नाम करना पड़े कि हम दूसरी जगह से हमको मांगना पड़े, जो फैसिलिटीज देनी है वे भी अपने सुचारू रूप से चालू करें जब तक हम बैठे हुए हैं। हम ये धप्पा नहीं लगने देना चाहते कि यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं करा। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, कुछ इशू पे है, तो हमारा यहाँ के प्रशासन से भी कोई हमारा इतराज नहीं है। उन्होंने बहुत सहयोग करा, अभी भी मेरी उनसे अपील है कि जो फैसिलिटीज पहले में दे रहे थे वे उसको चालू करें, देखते रहे। जब हमारी बातचीत हो जाएगी तीनों जगह के, जहाँ हमारे धरने चल रहे हैं, हमारी सरकार से किस मुद्दों पर बात होगी, हमारे कब धरने खत्म होंगे, हम यहाँ से पूर्ण रूप से सम्मान के साथ में यहाँ से जाएगा। जो किसान है इसके ऊपर ईंट नहीं, इसके ऊपर फूल बरसते जाएंगे, जब तक वो व्यवस्था नहीं होगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं। भारत सरकार से हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद। लोग जो अरविंद केजरीवाल भाई की तरफ से जो लोग भी हमें समर्थन दे रहे हैं, सिसोदिया जी भी यहाँ पाए हैं, पुराने इनसे संबंध है, आंदोलनकारी सब लोग हैं। अरविंद केजरीवाल भी आंदोलनकारी आते हैं, हमेशा हमने आंदोलन की और आंदोलनकारियों की कदर करी है। तो आगे भी होता रहेगा कि ना देश में आंदोलन खत्म होना चाहिए और ना देश में आंदोलनकारी खत्म होना चाहिए। ये लड़ाई है, अनाज तिजोरी में बंद ना हो, ये लड़ाई उसकी है, आम आदमी की लड़ाई है। जिस दिन अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा, तिजोरी में सोना बंद होता था, एक सर्वे हुए हैं कि सोना एक साल में 17 बार यूज करती है महिलाएं और अनाज एक साल में 700 बार यूज होता है। तो जो ये कॉर्पोरेट की नजरें अनाज को तिजोरी में बंद करने की है, ये अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। ये अब किसान का आंदोलन नहीं है, अनाज तिजोरी से बाहर निकालने का आंदोलन है। सबसे अपील है कि सब बाहर निकलो, ये बड़ी लड़ाई है। धन्यवाद। जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद।